ऑल राइट, सो हे गाइज, वॉट इज अप एवरीबडी, इट्स योर मास्क मैन बैक विद अ न्यू रिएक्शन वीडियो। गाइज, इस वीडियो में हम लोग रिएक्शन करने वाले हैं नहरे अल खमा नदीम सरवर नोहा 2022 1444 हिजरी। ये नोहा आज रिलीज़ हुआ है। और यार देखो, मैं पहले बोल दे रहा हूँ कि ये जो भी मैं कंटेंट यूज़ कर रहा हूँ मैं मेरी वीडियो में, ये बिलोंग करता है नदीम सरवर सर को और रॉयल रिकॉर्ड स्टूडियो को, रॉयल रिकॉर्ड्स को बिलोंग करता है। मेरा ये ओन कंटेंट नहीं है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं ये जो भी यूज़ कर रहा हूँ वो एक्ट, यूट्यूब के एक एक्ट के तहत यूज़ कर रहा हूँ, फेयर यूज़ के एक्ट के तहत यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रॉयल रिकॉर्ड्स वाले यार, आप लोग स्ट्राइक आ जाती, सीधा सीधा वीडियो डिलीट हो जाती, वो नहीं चाह रहा हूँ मैं, इसलिए बोल दे रहा हूँ फिर भी एक बार, ठीक है। तो बगैर टाइम वेस्ट कर पहले तो वीडियो को देखते हैं और जो भी बात करेंगे नोहे को देखे बात करेंगे। सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट। वर्ल्ड रिकॉर्ड्स प्रेजेंट्स। ए नहरे अल खमा, ऐ नहरे अल खमा, ऐ नहरे अल खमा, आज भी इस बेकसी पर रो रही है कर्बला, आज भी इस बेकसी पर रो रही है रही और काफिला प्यासा रहा, काफिला प्यासा रहा। ऐ नहरे अल खमा, 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 उसको मिलाना चैन, जिसे है ये गिला, ऐ नहरे अल खमा, ऐ नहरे अल खमा, साथ तेरे सामने तुम बार रसूल का, ऐ नहरे अल खमा, तेरे सामने वो मर गए गरीब, वो मर गए गरीब, रोती थी करबला, ऐ नहरे अल खमा, ऐ नहरे अल खमा, आज भी इस बेकसी पर रो रही है काफिला प्यासा रहा, ऐ नहरे अल खमा, ऐ नहरे अल खमा, ऐ नहरे अल खमा, मशकीज़ा जिसके हाथ में था दो के
आशिक़ क़दम रुतबा तुझे मिला ऐ नहरे अल-क़मा ऐ नहरे क्या किया ऐ नहरे अल-क़मा ऐ नहरे अल-क़मा आज भी इस बेकसी पर रो रही है कर्बला अल-क़मा बहती रही और काफिला प्यासा रहा ऐ नहरे अल-क़मा सी अहले हरम पर तमाम थी कितनी उदास शाम गरीबों की शाम थी गरीबों की शाम थी ऐ वा मुसीबत ऐ नहरे अल-क़मा ऐ नहरे तेरे सामने तूने बारसूल का ऐ नहरे अल-क़मा ऐ नहरे अल-क़मा ऐ नहरे अल-क़मा ऐ नहरे अल-क़मा नाहों में है जो तज है आज भी एक मातम मलाल एक मातम मलाल जारी है ये अज़ा ऐ नहरे अल-क़मा ऐ नहरे अल-क़मा आज भी इस बेकसी पर रो रही है काफिला प्यासा रहा काफिला प्यासा रहा काफिला प्यासा आज भी इस बेकसी पर रो रही है करबला नह अल-क़मा बहती रही और काफिला प्यासा रहा। नहर अल-क़मा नहर फुरात का दूसरा नाम है। नहर अल-क़मा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इमाम हुसैन सलाम के वाक़े से करबला के वाक़े से कुछ 500 बरस या ऐसी कुछ बरस पहले उस उतने साल पहले एक बादशाह रहता था वहाँ पर। बहुत ही ज़्यादा रहमदिल बादशाह था, बहुत ही इंसाफ के साथ अपनी हुकूमत चलाता था वो बादशाह। तो वो एक बार उसका गुज़र करबला की ज़मीन से हुआ। तो जब वो करबला की ज़मीन पे पहुंचा तो उस टाइम पर उसने नोटिस किया कि मतलब उसका दिल सडन बेचैन हो रहा, उसके आँखों में से आंसू निकलते जा रहे हैं, उसकी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये मेरे साथ हो रहा क्या। तो वो जो सो अपने नजूमी वगैरह वालों से पूछता है कि आखिर ये ऐसा हुआ, मैं जब ये ज़मीन पर पहुंचा तो मेरे साथ ये कैफियत रवा हुई, आखिर इसकी वजह क्या है, इसका रीज़न क्या है। तो वहाँ के नजूमी जो है सो किताबों में पूरा आलिमा जो है सो किताबों में देखते पुरानी किताबों में तो किताबों में देखे तो पता चलता कि
उसमें लिखा हुआ है कि आखिरी नबी के नवासे को बेदर्दी से यहाँ पर भूखा प्यासा कत्ल कर दिया जाएगा। तो जब उसे पता चलता है कि वो ईसाई या ऐसी कुछ था, ईसाई या कुछ था वो, तो उसे जैसे ही पता चला कि आखिरी नबी जो होंगे उसके उनके नवासे को बेदर्दी से भूखा प्यासा कत्ल कर दिया जाएगा, तो उसने सोचा कि हाँ शायद यहाँ पर हाँ। और एक बात, उस टाइम पर वो अलखमा के दौर पर वहाँ पर कोई पानी का ख़तरा नहीं था, सिर्फ और सिर्फ सूखी ज़मीन थी पूरी। तो वो सोचा कि हाँ यहाँ पर पूरी सूखी ज़मीन है ना, तो शायद इसकी वजह से जो है सो इमाम हुसैन प्यासे कत्ल होंगे, नबी का आखिरी नबी का नवासा प्यासा कत्ल होगा। तो वो अल्लाह को गवाह रखता है और अल्लाह से दुआ मांग, अल्लाह से कहता है कि ऐ अल्लाह, मैं खाने का तो इंतज़ाम नहीं कर सकता, लेकिन मैं तेरे आखिरी नबी के नवासे के लिए पानी का इंतज़ाम ज़रूर करके जाऊँगा। ये नियत कर वो एक नहर खुदवाता है, एक नदी खुदवाता है और उसका नाम जो है सो अलखमा पड़ जाता है। तो ये उसे नहीं पता था कि अलखमा के बनने के बाद भी जो है इमाम हुसैन भूखे प्यासे शहीद कर दिए जाएंगे। तो ये था अलखमा का एक वाक़ा जो मैं आप लोगों को बताना ज़रूरी समझा, क्योंकि ये नौहे में अलखमा का, नहर अलखमा का जिक्र हुआ। तो हमेशा की तरह नदीम सरवर सर जो है सो अपने अंदाज़ में बयान करे पूरा अलखमा करबला का जो शिकवा है, जो शिकायत है अलखमा से कि तेरे रहते हुए भी जो है सो दो बूंद पानी के जो है सो हुसैन को मिल नहीं सके, ऐ अलखमा तेरे से ये हमेशा शिकवा रहेगा। ये नदीम सरवर सर जो है सो अपने नौहे में बयान करे, और ये नौहे को लिखे हिलाल साहब, जो हमेशा उनके तकरीबन नौहों को लिखते, पहले रेहान आज़मी साहब लिखते थे मरहूम, उनका इंतकाल हो गया दो साल पहले कुछ, अभी हिलाल साहब लिख रहे हैं और कोई और भी लिख रहे हैं, जवाद जाफरी साहब भी लिख रहे हैं। भाई यार देखो, मैं फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ कि ये जो कंटेंट है वो नदीम सरवर सर को और रॉयल रिकॉर्ड्स को बिलोंग करता है, मैं जस्ट जो है सो फेयर यूज़ के लिए ले रहा हूँ इसको, रिएक्शन पर्पज़ के लिए ले रहा हूँ और कुछ भी नहीं है, मिसयूज़ नहीं कर रहा मैं कंटेंट को, ठीक है। सो बस यार इस वीडियो में इतना ही, अगर आप लोग वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर फॉलो कर देना। मिलते हैं ऐसी किसी और रिएक्शन वीडियो में जल्द से जल्द, तब तक के लिए बी सेफ, बी हैप्पी, कीप द बल्ब ऑलवेज ऑन, बाय।